नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, नया क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम। हेक्सागोनल लेमिना, सर नया कुछ यहां पर आ गया है क्या? लेमिना, लेमिना का मतलब क्या होता है? तो लेमिना का मैं आपको मतलब बता दूं, लेमिना होता है एक थिन प्लेट। थिन प्लेट, थिन सभी को पता है क्या होता है, थिन होता है बच्चा बिल्कुल पतला, ठीक है। तो पतली सी अगर प्लेट है तो वो क्या है? एक प्लेन ही है, ठीक है। तो लेमिना जहां भी वर्ड आएगा हम समझ जाएंगे प्लेन की ही बात हो रही है। चलते हैं आगे। ऑफ 34 mm साइड, हेक्सागोनल लेमिना मतलब हेक्सागोनल सभी को पता है, हेक्सागोनल जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसकी साइड कितनी? 24, मतलब सारी की सारी साइड इसकी कितनी में है? तो 24 mm है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Has its surface inclined at 30 degree to HP, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो HP के साथ में कितना इंक्लिनेशन बनाता है? 30 डिग्री का। इट्स वन साइड इज लेइंग ऑन द HP। साइड क्या होती भाई? ये एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो एक कोई साइड है, मान लो ये जो साइड है आपकी, ये कहां पर ले? लेइंग मतलब रखी हुई है, पसरी हुई है, आप जैसे समझ ले उसको, ठीक है। लेइंग मतलब लेटा हुआ होना। तो ये कहां पर रखी हुई है? एचपी पर रखी हुई है। एक साइड कहां रखी हुई है? एचपी पर रखी हुई है। एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। और ये साइड कौन? ये साइड एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। जो साइड है ये वाली साइड, ये वीपी के साथ कितना इंक्लिनेशन बनाती है? 45 डिग्री का। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। बच्चा ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल आपका कितनी साइड दी हुई? 24 mm मुझे दी हुई है, मतलब ये साइड कितनी? 24, ठीक है। सरफेस इंक्लाइंड करता है 30 डिग्री पर। चलिए किससे? एचपी से। एचपी से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है। वन ऑफ इट्स साइड लेइंग, तो मुझे साइड को लेइंग करवाना है कहां? एचपी पर। अब हुई है जो पोजिशन है परफेक्ट, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो उसके बाद में मुझे साइड को फिर वीपी से इंक्लिनेशन करना है, वो आगे स्टेप पर चलेंगे हम। सबसे पहली कंडीशन, एचपी पर ये साइड लेइंग कर रही है, साथ में एचपी के साथ में कितना इंक्लिनेशन बना रहा है? कौन? प्लेन। पूरा प्लेन बनाएगा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन, ठीक है सर। आगे चलते हैं। एंड देखे लेइंग इट साइड कहां? एचपी पर। और वो साइड बनाती 45 का इंक्लिनेशन किससे? वीपी से, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इस कंडीशन में हमें कैसा दिखने वाला है प्लेन? प्रोजेक्शन इसके कैसे बनने वाले हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहां बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैं क्या मान के चलूं कि ये जो साइड जो 45 इंक्लाइन थी वीपी से, वो अभी हम मान के चल रहे हैं परपेंडिकुलर टू एचपी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, मतलब वीपी रखी हुई है। साथ में ये इंक्लिनेशन था, मैं पूरा का पूरा इसको ऐसे मान के चलता हूं कि ये पूरा का पूरा प्लेन लेइंग कर रहा है कहां पर? आपका एचपी पर। तो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। अब पूरा का पूरा लेइंग कर रहा है, मतलब मैं फ्रंट व्यू से अगर देखूंगा बच्चा, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रंट व्यू से अगर देखता हूं तो पूरी मुझे एक लाइन दिखाई देगी जो कहां बनेगी? एक्स वाई लाइन पर बनेगी। कितना सामने है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपनी मर्जी से नीचे ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या? हेक्सागोनल प्लेन बनाना। लेइंग करवा रहे हैं, मतलब यहां कैसे बनने वाला? कई बार होता है कॉर्नर इधर क्यों नहीं सर? देखिए कॉर्नर को अगर मैं ऐसे रखता हूं, एचपी से इंक्लाइंड करूंगा, तो कोई भी साइड इसकी कहां पर लेइंग नहीं हो रही है? एचपी पर। एचपी पर लेइंग के लिए कंडीशन क्या है कि पूरी साइड को मैं इस तरीके से रखूं और उसके बाद में इंक्लिनेशन करूं, तो मेरी साइड भी लेइंग हो गई और साथ में देखें कि यह 30 डिग्री का इंक्लिनेशन भी इजीली मैं यहां पर बना पाऊंगा एचपी से। तो वही काम करने वाला हूं। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा। एक साइड होगी आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हेक्सागोनल हम ड्रॉ करेंगे, देन हम चलते हैं आगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की चर्चा करते हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम सर रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करने का है, तो हम सबसे पहले बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको कहेंगे रेफरेंस लाइन एक्स वाई, जो कि लाइट पेंसिल से मैं करने वाला हूं। इस तरीके से सीधा हमको स्केल रखना है और एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर देनी है। आगे अभी हम बढ़ा देते हैं,
और आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। कुछ बड़ा क्वेश्चन है बनने वाला है आपका, उसको नेम दे दें, यहाँ पर एक्स वाई को हम बाद में दे देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम सर हेक्सागोनल प्लेन बनाना है, ठीक है। हेक्सागोनल बनाना है, कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, कितना नीचे, कितना सामने है मुझे नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं अपनी मर्जी से इसको नीचे ले लूंगा जितना चाहूँ, ठीक है। चलिए कितना है साइड, कितनी 24, तो मैं स्केल लूंगा और 24 पर एक सबसे पहले आर्क लगा देता हूँ, ठीक है। सर हेक्सागोनल बनाना, आपने हमको बहुत अच्छे से बताया था कि हम एक सर्कल लेते थे, एक सर्कल लेते थे और वो सर्कल को कुछ इस तरीके से यहां पर हम बना देते थे, जितना बड़ा हमें, एक मिनट, जितना बड़ा हमें, जितनी साइड का हमें हेक्सागोन चाहिए होता था उतना ही बड़ा आर्क लेकर के हम एक सर्कल बना देते थे। इस तरीके से आपने यहां सर्कल बना दिया और इसके बाद में क्या करते थे, ध्यान देंगे, दोनों टाइप के हेक्सागोन आपको बताए गए थे, कॉर्नर किस साइड पर रखना है, कैसे बनाना है, ठीक है। दूसरा काम था सर हमारा ये कि हम अगर कॉर्नर हमें इस साइड पे चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही कॉर्नर जाने वाले थे, अभी हमने क्वेश्चन पे देखा था, समझा था, तो यहां से एक पतली सी लाइन खींच देते हैं सर, दो पॉइंट हमें मिल चुके, ठीक है। ये सब हम लाइट पेंसिल से कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर ऊपर चाहिए ना हमें, देखिए ऐसा हमारा प्लेन बनने वाला था तो कॉर्नर ऊपर चाहिए, इसलिए हमने सीधी लाइन खींची है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अगर मुझे कॉर्नर इस साइड पे चाहिए होते तब मैं क्या करता, पैरेलल टू एक्स वाई सेंटर से होती हुई एक लाइन खींच देता, क्लियर है। देन हम क्या कर रहे थे कि सर रेडियस हम ले रहे थे, जितनी ये रेडियस दी हुई है और दोनों पॉइंट जो हमें फाइंड आउट हुए हैं, एक आर्क हम इस साइड लगाएंगे, दूसरा आर्क हम इस साइड पे लगाएंगे, ठीक इसी तरह से ऊपर भी जाएंगे, यहां से एक आर्क और दूसरा आर्क यहां, क्लियर है। देन हमारा काम था एक आर्क से दूसरे आर्क को मिला देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या ये जो पॉइंट मिले हैं हम इनको सीधे क्या कर रहे थे, पहला पॉइंट ये मिला दिया हमने, ठीक है, डार्क पेंसिल से मिलाएंगे, देखिए हेक्सागोन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका यहां पर हेक्सागोन तैयार हो रहा है। जिन किसी को भी ये नहीं पता है कि हेक्सागोन कैसे बनता है, प्लीज बच्चा आप पिछले लेक्चर पे जाएं और उसको समझने की कोशिश करें कि हेक्सागोन का निर्माण कैसे होने वाला है, ठीक है। अब चाहे तो आप जो सर्कल की आउटर सरफेस है उसको मिटा दें और चाहे तो रहने दें, आपकी मर्जी, ठीक है। नेमिंग कर देंगे, नेमिंग कर देते हैं भैया, चलिए यहां से नेमिंग कर दें, ए बी सी डी ई और ये क्या हो जाएगा आपका एफ, क्लियर है। टॉप व्यू की बात है इसीलिए मैं यहां पर विदाउट डिस नेमिंग करूंगा। अब सर ये लेइंग कर रहा है कहां पर, एचपी पर, ऐसा मैंने मान के चला था, क्या मान के चले थे हम, एचपी पर ये लेइंग कर रहा है पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू जब देखा तो सर ये बन गया, सही है हमने बना दिया। फ्रंट व्यू की बात करूं तो पूरी की पूरी लाइन दिखेगी और कहां दिखेगी, एक्स वाई लाइन पर, तो वही काम हम करने वाले हैं, प्रोजेक्शंस डालेंगे सारे पॉइंट से, तो हम देखेंगे ए और बी से जो प्रोजेक्शन जा रहा है एक ही लाइन से प्रोजेक्शन जाएगा, ये रहा ए और बी का प्रोजेक्शन, ये रहा आपका सी और एफ का प्रोजेक्शन, ये रहा आपका डी और ई का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आगे चले सर, तो यहां हम पाते हैं कि हमें पॉइंट मिला है ए डेस बी डेस, यहां पॉइंट मिला है सी डेस एफ डेस और यहां पर पॉइंट मिला है डी डेस और ई डेस, क्लियर है। इन सभी को मिला दें तो ये जो लाइन है हमारी, यही लाइन फ्रंट व्यू पर दिख रही होगी, प्लेन हमारा इस लाइन की तरह दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, पूरा का पूरा प्लेन जो है उसका सरफेस 30 डिग्री इंक्लाइंड करता है, किससे, एचपी के साथ में, कितना इंक्लाइंड करता है, ये हमारा प्लेन हो गया एचपी पर रखा हो, पूरा का पूरा प्लेन 30 डिग्री इंक्लाइंड करता है, मतलब जो फ्रंट से देखने पर मुझे ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को मैं 30 डिग्री पर इंक्लाइंड कर दूं तो मुझे टॉप व्यू मिलेगा। देखें कैसे,
हमने क्या किया, अब पॉइंट मान लिया कि जो हमारा ए बी पॉइंट है वो यहाँ रखा हुआ है, क्लियर, और पास में मान ले कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ए वन डेस और बी वन डेस, क्लियर है, ए वन डेस और बी वन डेस यहाँ है सर। तो 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और सीधी लाइन खींच लेते हैं, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे 30 डिग्री पर एक इंक्लाइंड लाइन, और यहां से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, और इस पे मुझे क्या कॉपी करना है, ये पूरी लाइन को कॉपी करना है। चलते हैं कैसे कॉपी करते थे, तो यहां हम लेंगे हमारे प्रकार की सहायता, कंपास को हम ए डेस बी डेस से सी डेस एफ डेस तक फैलाते हैं, ए डेस बी डेस पर रख करके एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक उसी तरह से यहाँ से डी और ई की डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट पर रख कर एक लाइन लगाएंगे, क्लियर है दोस्तों। देखें आगे चल के हमें क्या मिला, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा सी वन डेस एफ वन डेस, दूसरा है डी वन डेस और ई वन डेस, इसको हम आपस में मिला देते हैं, तो हमारी लाइन जो थी वो कॉपी यहां पर हो चुकी है, ये लाइन हमने यहां पर कॉपी कर ली, क्लियर। कितना इंक्लिनेशन था भैया एचपी के साथ में, 30 डिग्री, और सर आपने बताया हुआ है हमेशा से जो इंक्लिनेशन एचपी से होता है हमें वीपी पर दिखता है, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर दिख रहा है, वीपी से जो इंक्लिनेशन है वो कहां दिखता है, एचपी पर, ठीक है, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। चलिए उस पर आगे चलेंगे, बाद में चलेंगे, अब हमारा काम है प्रोजेक्शन ड्रॉ करना और टॉप व्यू फाइंड आउट करना पहली वाली कंडीशन के लिए। चलिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये सी वन एफ वन डेस से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, उसी तरह से डी वन ई वन डेस से भी हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए, लोकस ड्रॉ कर देते हैं, एफ से लोकस जाएगा यहां से आपका एक लोकस चला गया, ए और ई से एक साथ लोकस जाएगा, क्लियर है, वैसे ही बी और डी से एक साथ लोकस जाएगा, ठीक उसी तरह से सी से एक लोकस जाएगा, ठीक है। हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी बहुत तिरछी बने बच्चा, आपको नहीं बनानी है, आपको ड्रॉप्टर का इस्तेमाल करना है या फिर रोलर स्केल का, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स वाई लाइन और परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन होगी, ठीक है। प्रोजेक्शन जब डालेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, लोकस जब डालेंगे तो पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। चलिए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं भैया, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट हैं देखते हैं, तो हम देखते हैं ए और ए जहां मिलेंगे वहां हमारा पॉइंट हो जाएगा ए वन, क्लियर, बी और बी जहां मिलेंगे बी वन, सी और सी जहां मिल रहे हैं सी वन, डी और डी डी वन ई वन, और यहां पर होगा आपका एफ वन, क्लियर। सभी को मिला दें आपस में, चलिए मिला देते हैं भैया, ए से ई मिला हुआ था, ए से बी मिला हुआ था, बी से सी मिला हुआ था, सी से डी मिला हुआ था, डी से ई मिला हुआ था, ई से एफ मिला हुआ था, क्लियर है। देखें यहां पर हमारा जो है पहली वाली कंडीशन, जब प्लेन पूरा का पूरा 30 डिग्री पर इंक्लिनेशन बना रहा था, तो यहां कंडीशन के हिसाब से हमने उसका प्रोजेक्शन बना लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो साइड लेइंग कर रही है एचपी पर, मतलब ये कौन सी साइड है, ए बी साइड है जो लेइंग हो रही है कहां एचपी पर, कितना इंक्लिनेशन बनाती है 45 डिग्री का, किसके साथ में बनाती है, वीपी के साथ में, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए पहली कंडीशन ये थी, तो ये तो हमने बना ली सर, फ्रंट व्यू में हमें 30 का इंक्लिनेशन दिख गया और टॉप व्यू में हमें ये प्लेन दिख गया, थोड़ा सा छोटा दिखेगा क्योंकि इंक्लिनेशन बना रहा है, ठीक उसी तरह। अब ये जो हमारी लाइन है, जो साइड है, जो लेइंग हो रही है एचपी पर, ये 45 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती है किसके साथ में, बीपी के साथ में, तो इसको हम 45 अगर यहां पर इंक्लाइन कर दें, इस लाइन को 45 इंक्लाइन कर दें, तो जो प्रोजेक्शन बनेगा और इसको कॉपी कर दें, तो वो हमारा फाइनल फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं, जो हमारी लाइन लेइंग कर रही थी उसको 45 पर इंक्लाइंड करके, मतलब ए बी को इंक्लाइंड करके हम इसको कॉपी करने वाले हैं। तो मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाली है आगे, और स्पेस की क्वेश्चन सभी ने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, तो क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को हम सबसे पहले एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं आगे तक। ये हमने एक्स वाई लाइन को और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपका वाई पॉइंट है, कितना इंक्लिनेशन 45 डिग्री का, मतलब ये जो आपकी लाइन है ए बी, ये कितना इंक्लिनेशन बना रही है, 45 का। ए बी इंक्लिनेशन 45 का किसके साथ में, वीपी के साथ में, तो वो मुझे एचपी पर दिखेगा, नीचे दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट लेता हूं 45 डिग्री पर, एक आर्क लगा देता हूं, और हम क्या करेंगे, इसको आगे ऐसा मिला देते हैं, और इस लाइन पर मुझे ए बी को कॉपी करना है, ठीक है। चलिए ए बी है, उसको ऐसे घुमाना है, कुछ ऐसे घुमाना है, तो मैं चाहूं तो इस लाइन को या इस लाइन को, देखिए पैरलर है ए बी एफ सी ई डी, ये सब एक दूसरे के पैरलर हैं, इसे 45 मतलब ये भी 45। अगर मैं मान के चलूं कि एफ और सी पॉइंट यहां कहीं पर होंगे, तो मैं पहले एफ पॉइंट को फिक्स करता हूं, मान लीजिए एफ पॉइंट जो है हमारा यहां है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ टू, क्लियर है। अब सर हम क्या करते थे, नेक्स्ट काम हमारा ये हो जाता था कि एफ से लेकर के अगर मैं सी तक की डिस्टेंस ले लूं और एफ टू पर रख करके इधर की तरफ कहीं पर आर्क लगाऊंगा, तो ये जो मेरा पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, सी टू, क्लियर, ये कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो सर बड़े ही प्यार से हम अगर एफ पर पॉइंट रखें और जहां से देखें ए डेस ई डेस लोकस आपस में मिली है, वहां तक का आर्क लेकर के एफ से मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ऐसा कर देता हूं, ठीक। सी से लेकर के यहां तक का जो आर्क है इस पे भी सर एक पॉइंट ऐसे कर देता हूं। देखिए एफ और सी पर ए और बी डे बी वन डी वन जो है परपेंडिकुलर है, मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से पॉइंट बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकूंगा, वही काम मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है भैया हमें, चलिए परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस पॉइंट से कुछ इस तरीके से, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक। यहां पर भी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मुझे, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एफ टू सी टू। दूसरा तरीका क्या है, अगर सर परपेंडिकुलर ऐसे नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, उसके लिए आपके पास में ड्रॉप्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ड्रॉप्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट आपका प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री पर आप एक निशान लगाएं, ठीक उसी तरह से यहां से भी एक निशान लगा दें, स्केल लें, और आपको पता है ये जो पॉइंट अब जाने वाला है आपका, इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई दोनों, क्लियर है दोस्तों, ये आपने लाइन खींच दी। अब सर ये क्यों किया है हमने, अभी थोड़ी देर पहले समझा, क्योंकि अब यहां से जो डिस्टेंस है ई की, वही डिस्टेंस होगी ए की, आप ध्यान से समझेंगे, यहां पर अगर मैं रखूं इधर एक आर्क काटूं और इधर एक आर्क, सेम यहां भी वही डिस्टेंस होगी, यहां से एक आर्क और इस साइड पे एक आर्क, तो मुझे अब जो पॉइंट मिले हैं, सर आपने एफ सी एफ वन सी वन को जो कॉपी किया था एफ टू सी टू के रूप में, डिस्टेंस ली, परपेंडिकुलर लाइन खींची, अब यहां से जो डिस्टेंस हमने काउंट की है, तो ये पहला पॉइंट है हमारा ए टू, ये पॉइंट है आपका बी टू, ये सी टू डी टू, और ये है आपका ई टू, क्लियर है। इस तरीके से हमने क्या किया कि पूरा का पूरा हेक्सागोन जो था हमारा पहली वाली कंडीशन का, इसको कॉपी कर लिया। देन हम क्या करेंगे, पहले की तरह इनको मिला दें भाई आपस में, जे हमने मिला दिया सभी को, और हेक्सागोन हमें यहां प्राप्त हो जाएगा, ये हेक्सागोन हमारा यहां पर मिल गया, क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है, सर हमने
टॉप व्यू तो निकाल लिया फाइनल, फ्रंट व्यू कैसे आएगा? तो सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन अब ऊपर की तरफ लेकर के चलेंगे, ठीक है, और यहां से लोकस डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो सर ठीक है, चलते हैं ए से डाल देते हैं लोकस। देखिए ए से लोकस मैंने डाल दी, बी से लोकस, ठीक है सर, यहां पर बी पॉइंट है हमारा, हमने बी से भी लोकस डाल दी, सी से लोकस, सी पॉइंट से लोकस डालेंगे, ये कुछ इस तरीके से आपकी लोकस जाएगी बच्चा। वैसे ही डी से लोकस डाल देते हैं, डी से भी लोकस डाल दी, ई से डाल देते हैं, सॉरी प्रोजेक्शन है ये, प्रोजेक्शन डाल रहे हैं हम, ये सारे पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन डाल दिए। अब लोकस की बारी है, लोकस डालेंगे हम टॉप व्यू जो फ्रंट व्यू जो हमारा मिला है उससे, तो ये लास्ट पॉइंट सारे पॉइंट से हम प्रोजेक्शन लोकस डाल देते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था भैया, फर्स्ट पॉइंट ए वन डेज और बी वन डेज, इससे ऑलरेडी आपकी लोकस ड्रॉ है जो कि एक्स वाई लाइन के रूप में है। चलिए लास्ट तो मेरा पॉइंट फाइंड आउट करना, ए और ए जहां पर मिल रहे होंगे वहां पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा ए टू डेज, क्लियर है, बी और बी जहां पर मिल रहे होंगे वहां होगा क्या बी टू डेज, सी और सी जहां मिल रहे होंगे वहां होगा सी टू डेज, डी और डी जहां पर मिल रहे होंगे वहां होगा मेरा डी टू डेज, ई और ई जहां पर मिल रहे होंगे वो होगा हमारा ई टू डेज, और एफ जहां पर मिल रहे होंगे वहां होगा हमारा एफ टू डेज, क्लियर है दोस्तों। अब देखें जैसे जैसे जो मिले हुए थे उनको आपस में मिला देते हैं। ए से बी मिला हुआ था सर, ए से बी को हम डार्क कर देंगे, बी से सी था, ठीक है, बी से सी को डार्क कर दिया, सी से डी था, सी से डी को डार्क कर दिया, डी से ई था, डी से ई को डार्क कर देंगे, ई से एफ को, और एफ वापस से किसके साथ में ए टू डेज के साथ। तो इस तरीके से फाइनल फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं सर, पहली कंडीशन में मान लिया कि ये पॉइंट जो है, ये जो साइड है ये लेइंग कर रही कहां एचपी पर, और ये पूरा का पूरा लेइंग कर रहा है कहां पर एचपी पर। तो सर हमने जब इसका टॉप व्यू देखा तो कुछ इस तरीके से हमें क्या दिख गया, यहां पर पूरा का पूरा हेक्सागोन पेन। फ्रंट व्यू देखा तो हमें पूरा की पूरी यहां लाइन दिखी। फिर सेकंड कंडीशन थी कि हमारा सरफेस जो है इंक्लाइंड करता है 30 डिग्री पर, लाइन इंक्लाइंड दिखी सर, प्रोजेक्शन डाले, टॉप व्यू मुझे मिल गया 30 डिग्री पर इंक्लिनेशन पर कैसा दिखने वाला था। देन कंडीशन ये थी कि 45 का इंक्लिनेशन जो है वो कौन बनाता है, साइड बनाती है, जो साइड हमें दी हुई थी कौन सी, जो कहां रखी हुई है एचपी पर। इसको मैं देखिए 45 पर इंक्लाइंड करूं तो कुछ इस तरीके से, मतलब आपको ऐसा दिख रहा होगा 45 का इंक्लिनेशन, चाहे इस साइड को करूं, इस साइड को करूं, इसको करूं या इसको करूं, सभी पैरेलल है। तो मैंने क्या किया 45 पर इंक्लिनेशन लेकर के एफ वन सी वन को एफ टू सी टू के रूप में कॉपी कर दिया, यही काम हुआ है। ये साइड हमारी अब कितना इंक्लिनेशन बना ली 45 किसके साथ में, वीपी के साथ में, जो कि मुझे एचपी पर दिखा। मैंने यहां से प्रोजेक्शंस डाले, यहां से लोकस डाली, पॉइंट को आपस में मिलाया, फाइनल फ्रंट व्यू हमें मिल गया। लास्ट क्या बचता है दोस्तों, यहां पर आपको डायमेंशंस मेंशन करने हैं, तो आप इसका डायमेंशन दिखा देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे दूरी पर आएंगे, इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, आपको एक साइड दिखा देनी है, यहां पर बिल्कुल पैरेलल टू ए बी यहां से एक लाइन खींच देंगे, एरो बनाएंगे, और आप बीच में चाहे तो मिटा करके या बगल में लिख दें कितना है आपका 24 mm लेमिना साइड, ठीक है, 24 mm साइड का आपका हेक्सागोनल लेमिना था। इस तरीके से आपने पूरी कंप्लीट ड्राइंग यहां पर बना ली। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से जब प्लेन की कंडीशन दी होती है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में इंक्लिनेशन बनाता है, साथ में वो वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन बनाता है, तो किस तरीके से उसका प्रोजेक्शन बनता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पर अगले क्वेश्चन के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें, ठीक है। देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, या स्टडी मटेरियल हो कोई भी,
अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें? ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और स्टडी का कोई भी मटेरियल हो आप कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पर जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, vvstudy_भोपाल आप डालें इंस्टाग्राम पर जाकर के, प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।